केंद्र सरकार की तरफ से संसद के दोनों सदनों से पारित 3 कृषि विधेयकों पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, यानी अब ये कानून बन गए। लेकिन इस कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। कहीं रोड पर लोग धरने पर बैठ रहे हैं तो कहीं जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में लगातार कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए आज सुबह लगभग 7:15 से 7:30 के बीच करीब 15 से 20 लोग किसान बिल के विरोध में दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन के अंतर्गत आने वाले इंडिया गेट के पास इकट्ठा हुए। पहले तो सभी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर खूब हंगामा काटा और फिर इसके बाद अपने साथ लाए एक पुराने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया, जिससे आसपास के सभी इलाकों में हड़कंप मच गया। आग की भयानक लपटों से पूरा इलाका सहम गया। इतना कुछ होते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया और फिर इस घटना को अंजाम देने वाले 5 उपद्रवियों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घंटों हुई पूछताछ के बाद पता चला कि ये सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पंजाब के रहने वाले हैं। गौरतलब इस घटना को अंजाम देते वक्त कांग्रेस के ट्विटर पेज पर सब कुछ लाइव चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।